तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो एमिरेट्स D10 टूर्नामेंट 2023 खेला जा रहा है, इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का मैच नंबर 13वां जो कि खेला जाएगा अजमान वर्सेज एमिरेट्स रेड के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। और यहाँ पर भाई अगर बात करें इस मैच की तो मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। कौन से प्लेयर अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से टीम के कौन से प्लेयर बेहतरीन यूनिक सीवीसी रहेंगे, एक एक चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना तो इजिली आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग करने वाले हो। बात करें अगर कल की तो कल भी आपके भाई ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप आपको करवाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये भी भाई हमने एमिरेट्स D10 लीग में ही अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था, वन साइडेड विनिंग यहाँ पर की थी। अगेन आपको बता दूँ कल के जो चार मैच हुए थे ना उनमें से भाई तीन मैच वन साइडेड विनिंग किए थे, एक मैच जो बिल्कुल लास्ट वाला मैच था वो हमारे लिए एवरेज जरूर गया था, बाकी उसमें भी किसी का प्रॉफिट हुआ किसी का लॉस, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लीन लॉस था, लेकिन जो स्टार्टिंग के तीन मैच थे वो क्लीन विन थे। रिजल्ट वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर आप अगर जाओगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, अब वहां पर जाना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। पहले बात करते हैं मैच की टाइमिंग की, तो अब से कुछ ही घंटे बाद यानी कि 2-3 घंटे बाद मैच खेला जाएगा, किसका, अजमान वर्सेज एमिरेट्स रेड का, शाम को 4:30 पर। अब देखिए जो ये मैच है ना ये खेला जाएगा मलेक क्रिकेट ग्राउंड अजमान में। अब यहाँ पर जो वेन्यू रिकॉर्ड है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले पिच के बारे में देख लेते हैं। बैलेंस विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प है, जो टीम अच्छा करेगी ना। अब यहाँ पर भाई स्टार्टिंग में क्या था कि यहाँ पर स्पिनर्स प्लस पेसर्स दोनों में अगर आप देखते ना तो पेसर्स का दबदबा ज़्यादा था, लेकिन अब क्या है कि पेसर प्लस स्पिनर दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल दबदबा है, तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं पेसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पिनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें भाई वेदर की तो क्लियर रहेगा, एवरेज स्कोर 100 से 120 के बीच में रहेगा। बात करें अगर यहाँ पर भाई वेन्यू के रिकॉर्ड्स की तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ पता लगेगा। ठीक है, 12 मैच अभी तक हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, मात्र 3 मैच। तो आपको यहाँ से क्लियरली अंदाजा लग गया होगा कि बैटिंग सेकंड करने वाले टीम को क्लियर फेवरेट मतलब क्लियर फेवरेंस मिलती है यहाँ पे। अब जो मैं आपको बता रहा था कि कल 4 मैच में से हमने 3 मैच विन किए वो भाई स्टार्टिंग के 3 मैच थे, और जिस मैच में लॉस हुआ वो सेकंड मतलब उसमें क्या हुआ था कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम का लॉस हो गया, मतलब वो मैच हार गई, और यही रीजन था कि हम भी मैच हार गए, ताकि भाई मतलब वहाँ पर क्या हुआ पिच अगेंस्ट खेली रिकॉर्ड के, तो वहाँ पर भाई उसी वजह से लॉस हुआ। बट फिर भी भाई 4 में से अगर 3 मैच हम अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर रहे हैं तो 1 मैच का लॉस चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको भी विनिंग करनी है ना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो टॉस की अपडेट है ना वो मैच से 10 या 5 मिनट पहले आती है, और उसके बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। बात करते हैं अजमान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की, मैं सभी प्लेयर्स के बारे में ज्यादा डीपली बात नहीं करूंगा, मेन मेन प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा। ऐसे सागर कल्याण मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, इस सीजन ये बॉलिंग नहीं करवा रहा, अदरवाइज भाई और भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लास्ट इनिंग अगर आप निकाल दो तो उससे पहले कि आप 5 इनिंग एक बार देखो, गजब लेवल की परफॉर्मेंस कर रहा है। अब्दुल शाकुर यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी आपके लिए लगातार अच्छा कर रहा है, प्लस विकेट कीपिंग से भी एक दो कैच के पॉइंट दे सकता है, तो यहाँ से दोनों ही मेरे हिसाब से अच्छे प्लेयर रहेंगे। अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है तो 100% ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में आती है तो दोनों में से किसी एक के ऊपर आप रिस्क लेने का सोच सकते हो। नासिर अजीज लास्ट मैच खेला नहीं, अगर ये खेलता है तो 101% हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे मतलब जो लास्ट मैच नहीं खेला उससे पहले वाले मैचेस की अगर बात करें तो वो यहाँ पर आपके सामने रिकॉर्ड से, यहाँ पर आप देखिए लास्ट के 2 मैच यहाँ पर कुछ खास कमाल नहीं किया, इससे पहले 18 रन 2 विकेट 6 रन 3 विकेट 45 रन 1 विकेट। वहीं अगर बात करें हर्षित कौशिक की तो प्योरली बैटिंग कर रहा है और काफी नीचे बैटिंग कर रहा है, और कभी भी भाई राहुल चोपड़ा को इनसे ऊपर प्रमोट भी किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में मेरे हिसाब से जीएल मिनी जीएल के लिए तो एक अच्छी पिक हो जाएंगे, लेकिन स्मॉल लीग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। राहुल चोपड़ा अगर भाई इन्हें ऊपर प्रमोट किया जाता है तो 100% लेने लायक प्लेयर है, इवन VCB आप इसे ट्राई कर सकते हो, बट जब इतनी नीचे अगर इसे खिलाएंगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई, तो अगर खेलता है तो बहुत अच्छी बात है, और
नीचे ही खेलता है तो भाई हम ड्रॉप करके चलेंगे, अगर थोड़ा ऊपर प्रमोट होता है तो हम इसे ट्राई करने की सोचेंगे। जो बैटिंग ऑर्डर है वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर आफ्टर लाइनअप शेयर कर दूंगा। अहमान अहमद की बात करें, यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों की बात करेंगे, यहाँ पर ठीक ठाक प्लेयर मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, हालांकि ज़्यादा परफॉर्मेंस तो नहीं आई है, लेकिन भाई जितनी बॉलिंग की है वो काफ़ी शानदार की है। अदनान उल मुल्क लास्ट मैच खेला नहीं, उससे पहले भी कुछ खास नहीं है, जीएल मिनी जेल में ट्राई कीजिए। अंकुर सांगवान जीएल मिनी जेल में ट्राई कीजिएगा, अगर यहाँ पर भाई आपके लिए अगर चाहो तो रिस्क लेना चाहो तो आप इन्हें स्मॉलिंग में ट्राई कीजिएगा। मोहम्मद उस्मान मस्टाफिक इवन भाई सीबीसी भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आते हो। सैयद इसाम की बात करें, ठीक ठाक प्लेयर है, चाहो तो बैक कर सकते हो। लास्ट मैच में वन डाउन पर बैटिंग करके आ रहा है नासिर अजीज की जगह पर, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगा। सिराज अहमद हर मैच में ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट निकाल रहा है, अगेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। जोहेब गुज्जर इस सीजन का पहला ही मैच खेला था, ये इनके भाई प्रीवियस टूर्नामेंट की रिकॉर्ड है। यहाँ पर आप देखिए लास्ट के, वैसे अगर आप देखो 5 मैच में 10 विकेट है, लेकिन लास्ट मैच में बहुत ही बुरे तरीके से मार पड़ी थी। अब इस मैच में इसका सिलेक्शन और भी कम हो जाएगा, लेकिन इसने भाई अपनी टीम के लिए 10वां ओवर डाला था और स्टार्टिंग के ओवर में डाला था, मतलब दूसरा या तीसरा ओवर डाला था और उसके बाद 10वां ओवर डाला था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि भाई फिर ये क्या करेगा, डेथ ओवर में गेंदबाजी भी करेगा, तो उस कंडीशन में मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जरूर से आप इन्हें बैक कर सकते हो फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मोहम्मद समीर की बात करें, हमारे वीसी थे लास्ट मैच में, 23 रन 1 विकेट 2 विकेट या 3 विकेट यहाँ पर निकाले, इसके अलावा 2 मैच में भाई विकेट लेस भी गया हुआ है। एमिरेट्स की बात करेंगे तो अहान फर्नांडिस आपके लिए एक ठीक ठाक प्लेयर रह सकते हैं, डिसेंट नोक खेलने के लिए जाने जाते हैं, ज़्यादा ताबड़तोड़ ज़्यादा बड़ी नोक नहीं खेलते, तो अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो एक सेफ पिक के तौर पर, बाकी चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। मोहम्मद इरफान लगातार बैटिंग बॉलिंग करता दिखेगा, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करवाई है, बट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, ट्राई कर सकते हो। क्लिंटन बर्कनशाह बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगा, मेरे हिसाब से मस्ट पिक है, इवन भाई आप इसे सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। साना उलक भाटी लास्ट मैच में 0 रन, जीएल मिनी जीएल में इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो। मोहम्मद शहादत की बात करें तो 19 रन 0 विकेट 0 रन 0 विकेट 48 रन 0 विकेट यहाँ पर भाई एक मैच में परफॉर्मेंस आई थी, और आप बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो कितना नीचे है, वहां पर भाई इन्हें हर मैच में ऐसी परफॉर्मेंस देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो मैं इन्हें हर मैच में ड्रॉप करने की ही एडवाइस दूंगा। बॉलिंग अगर ये इंपैक्टफुल डालते तो भाई मजा आ जाता, फिर तो हम इसे बैक कर सकते थे। उजैर हैदर की बात करें, ये बंदा लास्ट मैच में फ्लॉप होकर आ रहा है, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, बट कभी भी भाई परफॉर्मेंस दे सकता है, मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगा उजैर हैदर आपके लिए। अक्षय पुथनवितिल की बात करें, लास्ट मैच में लास्ट 2-3 मैच से बॉलिंग नहीं करवा रहा, उससे पहले भाई यहाँ पर 1 मैच में 2 विकेट निकाली थी, बट जिस लेवल का ये प्लेयर है ना, टीम इससे अगर आधे लेवल पर भी इसका यूज कर लेना तो भी भाई हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, बट टीम इसकी कहीं पे भी यूज नहीं कर रही, ना तो बॉलिंग में यूज कर रही है और बैटिंग भाई कितनी जल्दी भेज रही है, आप देख रहे हो 10 ओवर के मैच में इसे 7वें 8वें नंबर पर उतारा जा रहा है, बंदा क्या ही करेगा, और फिर भी आके 9 बॉल पर 18 रन बनाकर गया था यहाँ पर, नॉट आउट। अब अगर बात करें वसीम अकरम की, तो 1 विकेट यहाँ पर 1 विकेट यहाँ पर 1 विकेट यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अब्दुल्ला कयानी जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। मोहम्मद आसिफ चाहो तो जीएल ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड करूँगा जीएल मिनी जीएल में। शैलेश जयशंकर अगेन भाई आपके लिए एक मतलब थोड़ा सा रिस्की पिक रहेगा, अगर आप चाहो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो ईजिली, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर बात करें टीम की, तो टीम तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्त टेलीग्राम चैनल याद दिला देता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अगर बात करें टीम की, तो चलिए मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से अब्दुल शाकुर को ट्राई करेंगे, इसके अलावा किसी को अभी और नहीं रख रहा मैं अपनी टीम में। यहाँ पर सागर कल्याण अहान फर्नांडिस मेरी टीम में रहेगा, मोहम्मद इरफान को मैं बैक करूंगा। फरहान बाबर अगर खेलता है तो 100% इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अलावा अंसर खान खेलता है तो ये भी 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। वही अगर बात करें शाहरुख अमीन, इन्हें जेल मिनी जेल में ट्राई कीजिएगा। वही अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर देखिए अक्षय पुथनवितिल भाई बहुत तगड़ा प्लेयर है, सीबीसी लायक प्लेयर है, बट भाई क्या ही कर सकते जब टीम यूज नहीं करना चाह रही। तो इसके अलावा सी बरकन शाह को आप अपनी टीम में रख सकते हो, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। जोहेब गुज्जर लास्ट मैच में भाई यहाँ पर बिल्कुल फ्लॉप हुआ, लेकिन मेरी टीम में अकेले जगह बनाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो उजैर हैदर को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मोहम्मद शहादत की बात करें तो चाहो तो बैक कर सकते हो, बाकी अभी शायद मैं इन्हें ट्राई नहीं कर पाऊंगा। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो अंकुर सांगवान सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है अजमान की,
सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में नहीं सेकंड इनिंग में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, अदरवाइज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, वसीम अकरम मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पिक है, जरूर से आप बैक कीजिएगा। मोहम्मद समीर चांद लास्ट मैच में हमारे वीसी थे, अगर आप चाहो तो आप इन्हें फिर से बैक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो मंजीत मानी या फिर सिराज अहमद पिया, इन्हें अगर यहाँ से भाई पहले बॉलिंग आती है अजमान की तो आप इन दोनों को ट्राई कीजिएगा, अगर सेकेंड बॉलिंग आती है अजमान की तो भाई आप ऐसे को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब मोहम्मद आसिफ की बात करें तो भाई इन्हें आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो, या फिर एमिरेट्स रेड की सेकंड बॉलिंग में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बात करें अभी के लिए मैं अंकुर सांगवान को टीम में रख रहा हूँ। सीवीसी की बात करें तो कैप्टनसी भाई यहाँ से मैं दे देता हूँ अभी के लिए सी बरकन शाह को, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग कर रहा है। वीसी की बात करें तो मोहम्मद समीर चांद को मैं फिर से वीसी ट्राई कर रहा हूँ। फाइनल टीम में हो सकता है कुछ बड़े चेंजेस मैं करता नजर आ जाऊँ, बट फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।